प्रतापगढ़ किले का स्टडी टूर नवी मुंबई पत्रकारों के लिए तमाम जानकारियां और सबक देगा। जर्नलिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक शेश्वरे द्वारा आयोजित इस दो दिवसीय स्टडी टूर में प्रतापगढ़ किले का महत्व, उसकी अवस्था, अफजल खान की मौत एवं छत्रपति शिवाजी महाराज का शौर्य एवं उनकी शासनी पद्धति से जुड़े कई अद्भुत जानकारियां प्रेरणादायक रही। देखिए रिपोर्ट। जर्नलिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन का प्रतापगढ़ किला अभ्यास दौरा कई मायनों में खास रहा। महाराष्ट्र के सातारा जिले में 1656 में निर्मित प्रतापगढ़ किले में कैद हैं छत्रपति शिवाजी महाराज की कई प्रेरणादायी कहानियां। गाइड आनंद उतेकर की जुबानी, 1659 में इसी किले के तलहटी में छत्रपति शिवाजी महाराज और अफजल खान के बीच सबसे बड़ा युद्ध हुआ था, जिसमें अफजल खान मारा गया। मुगल शाही चारों ओर से घिरा प्रतापगढ़ एक ऐसा गिरिदुर्ग है जो प्रतीक है छत्रपति शिवाजी महाराज के शौर्य का, वीरता का और उनकी शासन पद्धति का, जो प्रतीक है आधुनिक भारत के बुनियादी विकास का। यहाँ के इतिहास पर जहाँ गर्व होता है, वहीं बदहाली पर दुख भी होता है। जर्नलिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक शेषवरे बताते हैं कि किले की ऐतिहासिक जानकारी जन जन तक जाए और इसकी दुरावस्था की खबर सरकार तक पहुंचे, यही इस अभ्यास दौरे का मकसद है। 16-17 मार्च तक दो दिनों के दौरे में वरिष्ठ पत्रकार विश्वरथ नायर, सुधीर शर्मा, शुभांगी गुरा और विजय गायकवाड़, अनिल कुमार उबाले और कविता मात्रे समेत 15 पत्रकारों ने हिस्सा लिया। किले के नज़दीकी परिसर में ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों का भी दौरा किया। इनसे जुड़ी जानकारियां पत्रकारों के लिए कितनी प्रेरणादायी रहीं, आइए सुनाते हैं। प्रतापगढ़ शिवाजी महाराज के अनेक 360 किलों में से एक है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण किला है, जहाँ जिसके बेस पे अफजल खान का उनके साथ ये टक्कर हुआ था और उन्होंने अफजल खान को उधर मौत का नींद सुला दिया। तो प्रेरणादायी तो है ही। अगर किले का वर्णन देखा जाए तो जो ढंग से वो किला बनाया गया, शिवाजी महाराज ने जब एक किला बनाया उसके अगले किले उससे भी बेहतरीन, मतलब डिफेंस के हिसाब से, तो इस किले में उस डिफेंस इक्विपमेंट डिफेंस सिस्टम दिखाई देता है। जहाँ उस जमाने में हाथियों का ये डर रहता था, वो सब हाथी घुस नहीं सकता किले में, वो हिसाब से बनाया, वो सब एक एक चीज़, मतलब प्रतापगढ़ में एक भी चीज़ ऐसा नहीं था जिसमें हमें आगे की पीढ़ी प्रेरणा नहीं ले। उन्होंने शासन किए उधर, और शासन में सुशासन किए उधर। सर, पहले कभी हम लोग ने देखा नहीं था प्रतापगढ़ की, जो दौर की नहीं थी वो अभी हम लोग ने की है। एक गाइड हम लोग ने किया था, उस गाइड के माध्यम से हम लोग को जो हम लोग ने सीखा नहीं था वो भी सीखने को मिला है। इस किले के पास आकर हम लोग ने जो ऐतिहासिक अनुभव लिया है वो हम लोग शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो अनुभव था तो वो बहुत अच्छा था। जो हमें पता नहीं था इतिहास के बारे में, वो वहाँ पे कल हमारे गाइड ने हमें बताया। इसके लिए बहुत सारी जानकारी मिली कि इतिहास के बारे में, इतिहास में जो गढ़ किले है तो उनकी हालत बहुत बेकार होने लगी है। गवर्नमेंट जो है जो नए नए पुतले बना रही है, तो उसके जगह पे ये गढ़ किले है, उनको ही सुधार करना चाहिए। मी पहिल्यांदाच गढ़ किले पाहायला आले, ते पण अभ्यास दौरा होता त्याच्यामुळे। खूप छान आहे गढ़ किल्ल्यांचा अभ्यास करणं, इतिहासाची माहिती मिळणं। आणि माझा मुलगा पण आहे, तो पण आलेला आमच्यासोबत, त्याला पण म्हणजे पाहता आलं म्हणजे महाराजांचे गड किल्ले, मग तो पण एक इतिहासाचा साक्षीदार झाला आहे आता। खूप छान अनुभव आहे, आणखी सुधारणा करायला हवे, त्याची डागडुजी करायला हवी आहे। शासनाने त्या ठिकाणी पाण्याची व्यवस्था करायला पाहिजे, खाण्याची तर आहेच पण पाण्याची तर नक्कीच केली पाहिजे, कारण की लोकांना विकत घेऊन जावं लागतात बॉटल वगैरे हातात। राज्य सरकार याबाबत
जेवढं गंभीर हवं आहे तेवढं नाही आहे, कारण का की मूलभूत ज्या सुविधा आहेत त्या सुविधा इथं आढळून येत नाहीत. त्याच्यानंतर गड किल्ल्यांचं जे संवर्धन आहे ते होत नाही आहे आणि राज्य शासन उदासीन आहे. आपण हजारो करोड रुपये विकास कामासाठी खर्च करतो पण आपला प्राचीन इतिहास, पराक्रमी शूर योद्ध्यांचा इतिहास जतन व्हायला पाहिजे असं काही दिसत नाहीये. ब्युरो रिपोर्ट, टीव्ही वन इंडिया. लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए.